तो अभी हम लोग ये पॉट डिजाइन कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को लगानी है मेथी या चौली लगानी है, तो उसके लिए अभी वो वाला चूज किया है। तो देखो अभी अपना लैंटर्न पूरी तरीके से रेडी है, कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। बढ़िया दिख रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीकेंड का टाइम है तो सोचा कि कुछ नई चीज की जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक पॉट खरीदने के लिए, इसके अंदर सोचे हैं कि मेथी लगाई जाए। तो उसके अंदर मैं मिट्टी डालूंगा और मेथी लगाऊंगा और देखते हैं 7-8 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता है उसमें से, वो भी एक करना है। और ये डेली व्लॉग तो नहीं, लेकिन 2-3 दिनों में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं इस वीडियो में क्लब करके दिखाने की कोशिश करूँगा। 2-3 चीज़ें प्लान आउट की हैं, अभी पता नहीं वो प्लान आउट होंगी या नहीं होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें क्लब करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं वो पॉट लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए, और फिर इसके अंदर मेथी लगाएंगे। चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग इस नर्सरी में आए हैं, कोंकण कृषि विकास प्रतिष्ठान के नर्सरी में आए हैं। उत्सव चौक के बिल्कुल सामने देखिएगा आप, सामने उत्सव चौक। और अभी यहाँ पे नर्सरी में जाकर देखते हैं हमें जिस तरीके का ट्रे चाहिए, कुंडी चाहिए, वो मिलती है क्या, देखते हैं। चलो। तो अभी हम लोग ये पॉट डिज़ाइन कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को लगानी है मेथी या चौली लगानी है, तो उसके लिए अभी कौन सा चूज़ किया, वो वाला ना, वो वाला चूज़ किया है। तो ये नर्सरी आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे कुंडिया पॉट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे पौधे भी हैं। हाँ, तो स्टैंड्स वगैरह भी आपको जो चाहिए यहाँ पे बना के मिलेंगे। तो ये स्टैंड्स आप देख सकते हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पॉट्स तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे पॉट्स हैं, ये भी रहे। और पौधे तो देख सकते हो आप बाहर कितने सारे पौधे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे हैं। और ये लकीली यहाँ पे जो बैठे हैं सावन सर ना, सावन सर ये आपल्याच कणकवलीतलेच आहेत, कणकवलीतल्या कळसुली गावातले आहेत। तर इथे त्यांनी बरीचशी इथे सिंधुदुर्गातली सुद्धा प्रोडक्ट्स इथे विकायला ठेवली आहेत इथे। तो देख सकते हैं सिंधुदुर्ग काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लसूण चटणी आहे, ही आंबोळी पीठ वगैरे, पापड दिसतात मला, लाडू दिसतात, खाजं वगैरे सगळं काही आहे इथे। तर बरेचसे प्रोडक्ट्स इथे आहेत सिंधुदुर्ग ॲग्रोचे। खाजा बघा इकडे, तो ये पॉट रेडी। तो ये इनका कार्ड है जिसपे आप इनके नंबर्स वगैरह देख सकते हो, एड्रेस नंबर। तो जैसे मैंने बताया उत्सव चौक के बिल्कुल पास है। तो ये सावन सर है जिनसे भी हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पे आके पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे गोप्रो लेके आएंगे, पूरा डिटेल वीडियो शूट करेंगे, पॉली हाउस वगैरह सब दिखाएंगे, और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं सारे इस पर आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की खरीदी कंप्लीट हुई, पूरे वीडियो हम अपन, ठीक है सावन सर, ओके थैंक यू, बाय बाय। तो ये थी नर्सरी। नर्सरी पर हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे अलग से। सावन सर से हमने बात की है, सावन सर ये भी कणकवली के कळसुली गांव के ही हैं, हम लोग साकेड़ी के, वो कळसुली गांव के। तो सबसे पहले आपको मैं पॉट भी दिखा लेता हूँ कि जो हमने यहाँ पे ख़रीदा है। तो ये अभी हमने वहाँ से चीज़ें खरीदी हैं, ये जो है ये मैं उसके लिए मेथी के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में घर पर जाने के बाद ही हम लोग ये लगाएंगे। और ये दो दूसरे आसिम ने दो लिए हैं, और शायद इसमें एक में मिर्ची लगाने वाला है, करेक्ट, एक में मिर्ची लगाने वाला है। चलिए अभी घर चलते हैं। तो आज देखो खाने में इस तरीके से ये बड़ी बन रही है, बेसन बड़ी या बेसन बड़ी। तो ये कुछ बैचेस अभी, एक बैच अभी फ्राई हो रही है और यहाँ पर ये रेडी है, ये फ्राइड है पूरी तरीके से। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो एक बनाया गया है, तो जिसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे दूँगा, तो उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कि इसका प्रिपरेशन कैसे था और किस तरीके से बनाई गई है। चलिए, तो नर्सरी से आने के बाद ये पॉट देख सकते हो कि इसके अंदर भी हमने मेथी लगाई है। तो ये मेथी थी जो इसके अंदर भी लगाई है, और उसका डे टू डे प्रोग्रेस है वो हम अलग वीडियो में अभी शूट करने वाले हैं इसके आगे। तो उस वीडियो के लिंक मैं ऊपर कार्ड में दूंगा, तो आप जाके पूरा देख सकते हो कि फाइनली मेथी लगाने के बाद 8वें दिन में क्या रिजल्ट आया है, कितनी मेथी मिली है, तो सब कुछ आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो बस आज शाम का यही प्रोग्राम था, अभी जाएंगे यहाँ से शादी में आगे कुरला जाएंगे, और कल प्लान है कि कल घर में इलेक्ट्रिशियन को बुला के जो लोहार चौल से जो लाइट्स लिए थे वो नीचे घर पे लगाने हैं, तो कल शायद वो करेंगे, तो वो भी शायद इसी वीडियो में आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है
7:55 अभी खारगर स्टेशन पर हूँ। यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि अभी कुर्ला जा रहे हैं शादी के लिए BKC जंक्शन पर, तो अभी ट्रेन से यहाँ से डायरेक्टली कुर्ला। तो ये अभी हमारी लोकल आ रही है, CST लोकल। तो अभी जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे उतरे 40 मिनट के सफ़र के बाद। अभी हमको जाना है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये FOB से आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की भीड़ आप देख सकते हो, लेकिन हमें जाना है वेस्ट की तरफ, यानी यहाँ से एग्जिट। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुर्ला स्टेशन से ऑटो किए हैं BKC जंक्शन जाने के लिए। बस अभी यहाँ से 10 मिनट के भीतर 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे। अभी ग्रैंड यशोधन हॉल पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ा सा लेट ही हो गया, 9 बज गए। अभी अंदर जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद फिर वापस से घर चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं हॉल बाहर से दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। देखो ये वो हॉल है, ग्रैंड यशोधन हॉल BKC जंक्शन के पास। तो शादी तो बहुत बढ़िया रही। अभी टाइम है यहाँ से निकलने का, तो अभी जाते वक्त अभी उबर बुक किए, उबर गो, तो वैगन आ रही है अभी 1-2 मिनट में, तो वहाँ से भी सीधा जाएंगे खारगर। 11:15 तक शायद पहुँच जाएंगे अभी घर पर। वेलकम बैक। तो आज संडे का दिन है और आज सोचा है कि जो घर में जो ये इलेक्ट्रिक और जो प्लम्बिंग की या हार्डवेयर की जो काम जो बाकी है, तो आज क्यों ना आज करके ली जाए। 35 है और ये शॉप है राजेश्वर इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, जहाँ पे अभी मैं आया था। अभी चलते हैं घर पे। तो अभी ये लोहार चौल से जो लिए थे लैंप, उसके भी फिटिंग का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का। तो ये श्रवण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है सेक्टर 35 खारगर में, उनको बुलाए थे, तो फिटिंग वगैरह कर रहे हैं अभी सब। तो ये लैंटर में लालटेन में लगाने के लिए हम लोग ने ये बल्ब चूज़ किया है विप्रो गार्नेट का 3 वाट का, और वो पोजीशन वहाँ पे हम लोग ने अभी डिसाइड किया है। थोड़ी सी वायर उसको मैं ऑलरेडी देते हैं हम लोग, और थोड़ी सी हमको फिर आगे जोड़नी पड़ती है। तो ये अभी बल्ब लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी उसके ऊपर एक ग्लास लगाते हैं। तो देखो अभी अपना लैंटर्न पूरी तरीके से रेडी है, बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ, तो अभी ये नीचे के घर के सारे फिटिंग वगैरह के इलेक्ट्रिशियन के जो काम थे वो सब करके हो गए, जिन्होंने ये सब काम करने में मदद की। तो इनका शॉप यहीं पे है खारगर सेक्टर 35 में, राजेश्वर इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर करके इनकी स्टोर है। भाई आपका नंबर क्या है? नंबर 83। हाँ 69। ओके 59। 52। हाँ 42। ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेक्टर 35 में अगर कुछ भी इलेक्ट्रिशियन का आपको काम होगा, हार्डवेयर रिलेटेड कुछ भी काम होगा, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। उनकी शॉप का नाम है राजेश्वर इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, है ना? करेक्ट ना जी। ओके चलो, थैंक यू भैया। तो अभी रात के 1:25 होने को आए हैं। इसलिए लेट हुआ इतना क्योंकि घर पे थोड़ा सा हम लोग लाइटिंग वगैरह काम कर रहे थे, 2-3 हम लोगों ने लाइट्स लेके आए थे उसी दिन, तो वो सब का हम लोग काम कर रहे थे, घर पे लगा रहे थे। तो आपको वो लाइट्स दिखाता हूँ कि कैसे हैं। पहले लाइट्स देखते हैं, फिर ये मेन लाइट जो है उसको ऑफ करके देखते हैं कि वो लाइट कैसे दिखती है। ठीक है चलो देखते हैं। तो ये माउंटेन एक शेप हुआ, और दूसरे देखेंगे तो ये है यहाँ पे जो फ्लावर शेप में है। अब इसको करीब से देखेंगे तो इसमें आप देखोगे फाइबर्स भी है इस तरीके से, फाइबर के टिप में से भी लाइट्स आती है। ठीक है, तो हमको इतना मिला हो, इतने साइज का ही था। तो अभी चलो अभी लाइट ये जो है इसको ऑफ करके चेक करते हैं कि कैसे दिखता है। तो लाइट्स अभी हमने ऑफ किया है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये अच्छा लीफ शेप है, ट्रायंगुलर शेप में है, ये हैंग नहीं करता, पूरे इजीली वॉल पे सेट हो जाता है, और काफी अच्छा इसमें रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल शेप कुछ इस तरीके से हमने माउंटेन ड्रॉ करने की कोशिश की, माउंटेन ड्रॉ किया इनफैक्ट, और बीच में जो है वो सन दिखाने की कोशिश की, 2 पीक्स हैं और उसमें सन दिखाया जो एक्चुअली हार्ट शेप में हमने बनाया। तो ओवरऑल ये इस तरीके से दिख रहा है। और अभी इसे चिपकाने के लिए हमने एक्चुअली एक टेप, जिसको इनविजिबल टेप करके फेमस है,
तो वो चीज़ हमने यूज़ की है, जो अगर आप वॉल पे चिपकाओगे और उसको वापस से निकालोगे किसी भी वजह से, चाहे आपको ये लाइट कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी है या आपको पैटर्न चेंज करना है, तो आपको निकालोगे वो टेप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पेंट वगैरह निकलता नहीं है, इसलिए हमने वो वाली टेप यूज़ की है। तो ये एक डिज़ाइन हो गई। और फ्लावर्स की बात करेंगे तो ये फ्लावर्स अभी इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं जो बोल रहा था कि फाइबर है उसमें से उसके टिप पे जो लाइट आती है तो कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है ये। चलो आपको टेप भी दिखा दूं। तो ये वो टेप की मैं बात कर रहा था जो हमने 20 रुपीज में वहीं पे लिया था मार्केट में, जिसके सहारे हमने चिपकाया था। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि एक सैंपल भी दिखाता हूँ। तो मैं इस टेप की बात कर रहा था, तरीके से आपने चिपकाई यहाँ पर टेप। अब इसको निकालना है तो निकालना भी काफ़ी आसान है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो वहाँ पर हाँ स्टिकी बिल्कुल नहीं है ये, और इसको आप रीयूज भी कर सकते हो मेन चीज़। अभी अगर इसको आपस से लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो, तो ये इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको रीयूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी प्राइस भी बताता हूँ आपको, ये हमको 350 में मिले हैं ये वाले फ्लावर शेप की लाइट्स, और ये जो दूसरी लाइट है ये हमको 250 में मिले हैं कालवा देवी लोहार चौक से। अभी अंदर जाके देखते हैं बेडरूम में जो हमने उन्होंने लैंटर्न लगाया जिसका हम यूज़ नाइट लैम्प की तरह करने वाले हैं वो कैसा दिखता है। चलिए मैं बेडरूम में आया हूँ और मैं भी लैंटर्न की लाइट ऑन करता हूँ। हाँ ये रहा, तो ये वो लैंटर्न है, और साथ ही में हम लोग ने उसी विजिट के अंदर और एक लाइट भी ली थी जो भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये जैसे एक तोरण कहते हैं ऐसे, तो उस टाइप की ये लाइट ली थी हम लोगों ने। इसकी कॉस्ट थी तकरीबन 100 रुपए ही थी, तो ये 100 रुपए में हमको मिला। और ये कुछ लाइट्स इस तरीके से, इसका पैटर्न वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप, कुछ जो पैटर्न चाहिए आप वो पैटर्न रख सकते हो। तो हाँ ये भी चिपकाने के लिए हमने वही सेम टेप यूज की थी जिससे हमने बाहर वो माउंटेन ड्रॉ किया था, वही इनविजिबल टेप हमने यूज किया जो निकालने में काफी आसान है। तो आज का दिन यहीं पे खत्म होता है, अभी बजे 2:15 हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मेरा सैटरडे और संडे यानी वीकेंड के दोनों दिन दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने काफी सारी चीजें दिखाई, जैसे कि वो मेथी प्लांटेशन दिखाया और ये लाइट का इंस्टॉलेशन दिखाया, और अभी एक्चुअल में लाइट पूरी लगाने के बाद कैसे दिखती वो भी दिखाया, और हाँ वो बड़ी वड़ी वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया। तो काफी सारे चीजें इस वीडियो देखी होंगी आप लोगों ने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आगे भी ऐसे कोई इवेंटफुल वीकेंड होता है जिसमें काफी एक्टिविटीज होती है तो उनको मैं कंबाइन करके एक वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि फिर मैं आगे इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो दैट्स इट देन, गुड नाइट, काफी रात हो चुकी है, तो मिलते हैं अभी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। See you again next time. Take care. Bye bye.